Hey guys, this is Ayushi. Welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ मिसेलर वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर का रिव्यू। सो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो है 150 ml एंड इसका प्राइस है 399 rupees। एंड इसको आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 350 या 320 के अराउंड ये आपको रिसीव हो जाएगा। पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, जिसको ओपन करने पर ये आपको ये इस तरह की बॉटल में मिलता है, जिसमें आपको ये ब्रिसल्स मिलते हैं। मामाअर्थ के प्रोडक्ट की बात करें गाइस तो ये पैराबेन SLS फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, ये ऑल स्किन टाइप को सूट करते हैं। एंड इस प्रोडक्ट में आपको मिलता है मिसेलर वाटर प्लस रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड। इसके ऊपर आपको ये मिलता है कैप, जो कि इसको डर्ट वगैरह से सिक्योर करने के लिए दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मीन्स आप कहीं भी इसको रख सकते हो और गिरने का भी कोई डर नहीं है। एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट है, सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं, तो बहुत माइल्ड रहेंगे ये आपके फेस पे। अगर आप इसको यूज करते हो बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे आपके फेस पे, एंड बहुत ही सॉफ्ट है एक्चुअली ये। सो इसको इस तरह से पंप करने पे आपको इसमें से यहाँ से प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा। तो ये फोमिंग मिसेलर वाटर है, जिसमें आपको मिसेलर वाटर के साथ मिलता है रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड। रोज वाटर एज ए हाइड्रेटिंग आपके फेस को हाइड्रेट करने में काम करता है, और ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के लेयर्स के बीच में एक एक वॉल बनाता है, जिससे कि आपकी डेड स्किन जो होती है, मीन्स आपकी जो अपर स्किन लेयर है, जो डेड स्किन है, उसको भी ये अच्छे से रिमूव कर देता है, और जो डर्ट वगैरह है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाती है। और प्रोडक्ट को यूज करने का जो डायरेक्शन इस बॉटल पे दिया गया है वो है कि आपको अपने फेस को वार्म वाटर से वेट करना है, एंड देन आपको ये मेकअप रिमूवर यूज करना है। यानी इस ब्रिसल्स का यूज करते हुए आपको धीरे धीरे अपने फेस पे जेंटली यूज करते हुए आपको अपने मेकअप को रिमूव करना है। एंड जब ये ब्रश को हम अपने फेस पे यूज करते हैं तो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आई शेडो, फाउंडेशन, ये सब इसमें हो सकता है कि आप ऊपर से इसको वाटर से क्लीन कर दो, बट अंदर ये फाउंडेशन वगैरह रह सकता है, मेकअप प्रोडक्ट्स में रह सकते हैं, तो आप दोबारा इनको यूज करोगे तो आपको एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिया गया है इस बॉटल पे इस ब्रश को क्लीन करने के लिए कि आपको इसे इक्वल पार्ट आपको लेना है विनेगर एंड वार्म वाटर का, एंड इसमें आपको ये ब्रश को डिप कर देना है, एंड 5 to 10 मिनट के लिए आपको इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना है। 10 मिनट्स के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके इसे ड्राई कर लो, मीन्स आप ऐसे ही रख दो, कहीं आपको ब्लो ड्रायर वगैरह में नहीं रखना है, आप इसको नॉर्मल ऐसे रख दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये ड्राई हो जाएगा। सो इसके बाद आप इसको अगेन यूज कर सकते हो, तो इससे आपको एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी अगेन। तो ये इस तरह से इसको यूज करने का, इसको क्लीन करने का पूरा इन्होंने डायरेक्शन एंड टिप्स पूरी दी हुई है। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव प्रोडक्ट होते हैं। सो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। नाउ इस प्रोडक्ट के फीडबैक की बात करते हैं, जो मेरा पर्सनल रिव्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में। सो इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव टर्म्स की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, मीन्स आपको ब्रिसल्स मिलते हैं, ऐसे अभी तक किसी भी मिसेलर वाटर में नहीं मिला है। सो आपको बहुत ईजी रहता है, मीन्स आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि आपको कहीं भी कॉटन वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप कहीं गए हो आपके पास कॉटन नहीं है तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको बस वॉशरूम में जाके आपको उसको बस क्लीन कर लेना है अपने फेस को, और आपका मेकअप पूरी तरह से उतर जाएगा। नेक्स्ट उसका पॉजिटिव
पॉइंट है वो है ये कि इसमें आपको रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है। रोज वाटर बहुत ही सी स्मेल देता है इस प्रोडक्ट को, एंड जब आप इसको यूज करते हो तो बहुत ही फ्रेश फील होता है आपकी स्किन पे। फेस को वॉश करने के बाद आपको बहुत ही हाइड्रेटिंग, बहुत ही फ्रेश फील होगा आपके फेस पे। तो ये इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता है और इसके ब्रिसेस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेगा आपकी स्किन पे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत, और आपको बहुत जेंटली मसाज करना है एक्चुअली, तो ये बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेगा आपके फेस पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इसका, मिसेलर वाटर का। नाउ अब इसके निगेटिव टर्म्स की बात करते हैं, तो निगेटिव टर्म्स इसका मुझे सिर्फ एक लगा कि इसका जो ब्रिसेस है इसके, इससे आप अपनी आईज पे यूज नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर आपकी आईज में चला गया तो मे बी आपको इरिटेशन हो सकती है, तो आप आईज पे नहीं यूज कर सकते हो। तो और लिप्स पे भी आपको थोड़ा सा थोड़ा सा प्रिकॉशनरी यूज करना होगा, मीन्स आपके मुंह में ना चला जाएगी। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और मुझे लगता है कि जैसे आईज में ये कॉर्नर वगैरह में ये अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट ट्रैवल फ्रेंडली है। मीन्स आप इससे कहीं पे आप जा रहे हो तो आप इसको ले जा सकते हो, बट बहुत अच्छे से ये क्लीन नहीं कर पाएगा आपकी स्किन को। ये आपके फेस को क्लीन करेगा, बट आपके फेस में जो कॉर्नर से, मीन्स आई कॉर्नर ये जो है और ये नोज के साइड में, ये सब ये अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा। मीन्स आपको दोबारा यूज करना पड़ेगा या फिर कोई फेस वॉश वगैरह, तो ये उस जगह पे मेकअप आपका रह ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये उतना बेनिफिशियल नहीं लगा मुझे। यही एक मुझे निगेटिव टर्म लगा इस प्रोडक्ट का। बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छी स्मेल लगी मुझे इसकी, एंड बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा जैसे कि मैंने बताया। तो आप इसको एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हैं, मीन्स आप अक्सर कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, तो आप इसको अपनी मेकअप किट में रख सकते हैं। जब आप कभी ट्रैवल करो तो आप इसको यूज़ करो, क्योंकि आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, मीन्स अगर वेडिंग वगैरह में नहीं जा रहे हो, आप नॉर्मली आउटिंग वगैरह पर जा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करोगे, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। मीन्स ये सिर्फ आपके आईज पे नहीं वर्क कर पाएगा, बाकी ये पूरे फेस पे अच्छे से वर्क करता है। आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। गाइस अगर आप इसको यूज करते हैं तो प्लीज इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।